इस वक्त यहां पे ट्रेंड चल चुका है कि अगर किसी भी बड़ी फॉर्चून फाइव कंपनी के बोर्ड पे दो तीन भारतीय ना हो तो लोग परेशान होते हैं उनके फ्यूचर के लिए अमेरिका को भी भारतीय चला रहे हैं उनकी सारी जो आईटी और टेक्नोलॉजी है सारी अगर आप कभी गौर फरमाए नासा के ऊपर तो नासा के अंदर सबके सब, सब भारतीय इंजीनियर है उनके पास और ये ट्रेंड अगर चल चुका है और चल रहा है ये मजीद चलेगा और ये उसी जगह पहुंचेगा जहां आज ये जहां यहां के लोग बैठे हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका मिस्टर भारत में दो तक विकसित राष्ट्र बनने का भारत का लक्ष्य है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत तेजी ऐसी आगे बढ़ रहा है आगे आने वाले कुछ सालों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत जब दो में अपनी आजादी के सौ साल का जश्न मना रहा होगा तब तक भारत विकसित देश बन जाएगा आजादी के सौ साल के सफर में भारत ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की है और बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करने की कोशिश कर रहा है वही भारत के साथ आजाद हुआ पाकिस्तान अभी भी धर्म के चुंगुल में फंसा हुआ है अभी भी पाकिस्तान जमीन से ही उठ नहीं पाया आम लोगों को पाकिस्तान में जरूरत की चीजें पाने के लिए भी रोज संघर्ष करना पड़ता है आज भारतीयों का प्रभाव दुनिया के हर देश में देखा जा सकता है कहा तो ये तक जा रहा है कि दुनिया की जिन बड़ी बड़ी कंपनियों में भारतीय नहीं होंगे उस कंपनी के सफल होने की गारंटी ना के बराबर होती है। इस वक्त हर बड़ी कंपनी का सीईओ भारतीय इस वक्त यहाँ पे ट्रेंड चल चुका है कि अगर किसी भी बड़ी फॉर्चून फाइव कंपनी के बोर्ड पे दो तीन भारतीय ना हो तो लोग परेशान होते हैं उनके फ्यूचर के लिए के और ये ट्रेंड अगर चल चुका है और चल रहा है तो ये मजीद चलेगा और ये उसी जगह पहुंचेगा जहां आज ये होती है जहां यहां इसराइल के आज लोग बैठे बल्कि कुछ इंच का फर्क रह चुका है उसकी एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज तो हो चुकी है जो पिछले हफ्ते दि वायर ने एक न्यूज बनाई थी कि ये जो ड्रोन हैं और बोइंग की कुछ शिपमेंट है उसको पनु साहब के साथ, साथ, साथ कंटीजेंट कर दिया गया घंटों के अंदर क्लैरिफाई किया गया है स्टेट डिपार्टमेंट ने और व्हाइट हाउस ने कि ऐसी बात नहीं है डील ऑन और उसपे मैं समझता हूं कि, आ, इस अगर जूएश एलिमेंट और भारतीय एलिमेंट अगर वॉशिंगटन डीसी से खत्म कर दिया जाए अमेरिका वांट बी एबल बड़े अप्रोच होगी मिसाल एक छोटी सी सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट दूंगा इस वक्त मैं जिस स्टेट में बैठा हूं उन्होंने कई अपने स्टेट की जाबों के लिए बैचलर डिग्री जो है वो खत्म कर दी है क्योंकि उनको बैचलर अमेरिकन नहीं मिल रहे फेडरल गवर्नमेंट ने कई जाबें इस वक्त हैं जिनमें बैचलर की डिग्री को खत्म कर दिया क्योंकि उनको अमेरिकन नहीं। बैचलर नहीं मिल रहा इस वक्त आधी फेडरल गवर्नमेंट घर से बैठ के वर्क फ्रॉम होम कर रही है अमेरिकन ने काम करना छोड़ दिया और अगर उन्होंने काम छोड़ दिया तो काम करेगा कौन तो वो काम फिर जो है वो भारतीय करेंगे हमारे जैसे लोग तो आपको मैं है। हमारे ऊपर आपने कौन सी इन्वेस्टमेंट करके भेजी है जो हम पे पे टेक्नोक्रेट बन सके। बच्चा आता है, यहाँ पे टेक्नोक्रेट बन बन सके भारतीय बच्चा आता आता है है के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आपको MIT के अंदर एडमिशन मिल जाता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन नहीं मिलता तो जब तक आप इस वक्त अगर देखा जाए मैं इस पर खुश हूं खुश इसलिए हूं कि मैं भी उसी खिते का रहने वाला हूं और मुझे खुशी है कि इस वक्त दैट सन इज राइजिंग फ्रॉम द ईस्ट मैं जो भारत के भारत की तरक्की देख रहा हूं तो उसके पीछे मुझे uh, चणक्या उसके पीछे मुझे टेक्सला यूनिवर्सिटी उसके पीछे मुझे मोहंजो दाड़ो उसके पीछे मुझे इंडस सिविलाइजेशन नजर आ रही है कि सिविलाइजेशन कितनी कदीम थी लेकिन अफसोस के साथ कि हमने उसको आगे ले जाने में काफी देर लगाई लेकिन चले पहुंच तो रहे हैं लेकिन हमारी देर में सबसे ज्यादा जो ज्यादतियां हमारे साथ होती है वो फॉरन इन्वेडर करते रहे हैं आके उन्होंने वो एक प्रोसेस चलने नहीं दिया जो एक साइंटिफिक था इस इसमें आखिरी मैं ये बताना चाहूंगा कि जब वहां पे चनाक्या या आर्यन आए थे टेक्सला यूनिवर्सिटी में उस सिविलाइजेशन के पास तो उनके पास वेद की किताबें मौजूद थी 150 एडी की बात कर

वो आते चले जा रहे हैं लेकिन एक इम्प्रेशन ये भी है कि अमेरिका को इंडिया की प्रोग्रेस पसंद नहीं आ रही वो चाह रहे हैं कि वो उनके हाथ के नीचे ही काम करें मैं इसके मैं इसके बताना चाहता हूँ उसका एक बैकग्राउंड मौजूद है आजू उसकी वजह यह है कि पहले आप ये देखें कि एक वाइट रेस यूके जिस तरीके से आप देखे ना आप क्या समझती है कि ऋषि सोनक जो है जो इस वक्त टेंट डाउनिंग स्टेट के ऊपर जब वो अपनी पूजा करते होंगे या सारा को आपका क्या ख्याल है कि वाइट रेस सारी उसको एक्सेप्ट करती होगी मैं इस बात पे भी खुश हूं मैं खुश खुश हूं इस बात पे कि अपने रिलीजन को वो प्रैक्टिस करते हैं ऋषि सोने मुझे एतराज है कि जहां पे हमारे आ, अमेरिका के अंदर दो भारतीय निजात लीडर आए हैं निकी हेली है रंधावा है सिख है उनका फादर जो है वो टर्बन वेरिंग है लेकिन उसने अपने बालक को छुपा दिया है उसने अपने इंडियन हेरिटेज को छुपा दिया है उसको प्राइड होने चाहिए थी सिख होने में लेकिन वो उसने कहती है आई हैव चेंज माय रिलीजन टू क्रिश्चियनिटी उससे पहले बाबी जिंदल थे हिंदू फैमिली से थे पंजाबी थे वो भी लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट कर मैं, मैं, like करता हिंदू अपने हेरिटेज को सामने रखा उन्होंने और इसी वजह से मैं जो मैं जो अगली चीज आपको ये बता रहा था देखें एक तो इतना आरसा वाइट रेस ने ब्रिटिश ने हुकूमत की है आपका क्या ख्याल उनको तकलीफ नहीं होती होती है

सेवन परसेंट उनकी ग्रोथ जो है उनकी इकॉनमी की आपका क्या ख्याल है वो डाइजेस्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इस वक्त भारत रेड सी के अंदर जो अपना मिलिट्री मसल फ्लेक्स कर रहा है आपका क्या ख्याल है उसको अमेरिकन डाइजेस्ट कर पाएंगे नहीं कर नहीं कर पाएंगे इश्यूज होंगे लेकिन चॉइस क्या है मैं ये पूछना चाहता चॉइस क्या है इनके पास इनके पास साउथ चाइना सी के अंदर इनके पास चॉइस क्या है भारत के अलावा मैं इनसे पूछना चाहता हूं कौन तुम्हारा हाथ पकड़ेगा वहां पर कोई नहीं पकड़ेगा तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी आज पाकिस्तान कश्मीर डे मना रहा है जिस कश्मीर के लिए आज तक पाकिस्तान ने चवन्नी भी नहीं खर्ची उस कश्मीर के प्रति पाकिस्तान दिखावे का नाटक कर रहा है लेकिन पाकिस्तान की ये चालाकी कश्मीर अब समझ चुके हैं न सिर्फ पीओके के लोग बल्कि के पी के सिंध और बलूचिस्तान के लोग भी पाकिस्तान के साथ खुश नहीं है और पाकिस्तान से अपना पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं अपने देश पर पाकिस्तानी फक्र कर सके ऐसा पाकिस्तान ने आज तक तो कुछ भी नहीं किया है और आगे भी ऐसा कुछ होने की संभावना ना के बराबर है अगर भारत की बात करें तो आज दुनिया भर के हर क्षेत्र में भारतीय अपना प्रभाव छोड़ रहे हैं इंडियन यूनिवर्सिटीज से पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की डिमांड दुनिया भर में बढ़ रही है वही पाकिस्तानियों को फॉरेन कंट्रीज पकड़ पकड़ कर अपने देश से निकाल रही है अब तो अरब देश भी पाकिस्तानियों की हरकतों से परेशान हो चुके हैं और अरब देशों ने भी अब पाकिस्तानियों को नो एंट्रीज के पोस्टर दिखाना शुरू किया है और जिस चीन के भरोसे पाकिस्तान अब तक था उस चीन ने भी अपने यहाँ पर अफगान तालिबान की एम्बेसी को मान्यता दी है चीन वो पहला देश बना है जिसने अफगानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसे डिप्लोमेटिक मान्यता दी है ये पाकिस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं है बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को भी सब्सक्राइब करें मैं मिलता आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत